और राज्य के दूसरे हिस्सों में कोरोना पॉजिटिव लगातार मिलने के बाद भी गढ़वा जिले के लोग ये सोचकर निश्चिंत होकर लॉकडाउन 2 का अनुपालन कर रहे थे, लेकिन बुधवार को एक व्यक्ति के संक्रमित पाए जाने के बाद यहाँ के लोग अब सकते में हैं। वहीं जिला प्रशासन भी अब हरकत में आ गया है। घर से निकलकर एम्बुलेंस पे बैठते ये सभी कोरोना पॉजिटिव मरीज के परिजन हैं, जिन्हें एहतियातन ब्लड सैंपल के लिए अस्पताल भेजा जा रहा है। साथ ही ये जिला मुख्यालय का पठान टोली मोहल्ला है, जहां एक व्यक्ति पॉजिटिव पाया गया है। अंचलाधिकारी के अनुसार सभी परिजनों की जांच करने के बाद उन्हें क्वारंटाइन सेंटर भेज दिया जाएगा। इनकी चेकिंग होगी, सैंपलिंग होगी, क्वारंटाइन किया जाएगा। क्या उन्हीं के घर के हैं जिसके घर पॉजिटिव निकला? उसी घर के हैं जी सर, एक ही हाउस में वो किसी रहता था। जी जी, है तो इनका सेपरेट फैमिली है, लेकिन हाउस एक ही है। उधर संक्रमित मरीज मिलने के बाद पूरे पठान टोली मोहल्ले को सील कर दिया गया है। मोहल्ले से जुड़े सभी रास्तों पर पुलिस द्वारा बैरिकेडिंग लगाए जाने के साथ पहरा बिठा दिया गया है। वहीं इस मोहल्ले में डीएसपी और थानेदार पुलिस कर्मियों के साथ मौजूद रहकर हालात का जायजा ले रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर इस खबर से सकते में आए मोहल्ले वाले खुद ही अपने मोहल्ले को बंद कर रहे हैं। पठान टोली से जुड़े मोहल्ले के साथ साथ शहर के कई मोहल्लों को भी लोगों ने पूरी तरह से बंद कर दिया है। जहां एक तरफ पठान टोली में ड्यूटी पर जाने से पहले थाना परिसर में पुलिस कर्मियों को वरीय अधिकारी द्वारा एहतियात बरतने का निर्देश दिया गया, तो वहीं दूसरी ओर निरीक्षण के उपरांत एसपी ने बताया कि मोहल्ले को सबसे पहले सैनिटाइज करने के साथ साथ मोहल्ले को पूरी तरह सील कर दिया गया है। साथ ही प्रशासन पूरी तरह यहां नजर बनाए हुए है। पॉजिटिव का एक मामला आया है, जो प्रोसीजर है, एसओपी है, उसके आधार पर उस एरिया को सील करने की कार्रवाई चल रही है और वहाँ पर मजिस्ट्रेट और पुलिसकर्मी की प्रतिनियुक्ति की जा रही है और कंटेनमेंट एरिया के लिए जो आवश्यक अपने घरों में है और लॉकडाउन का अनुपालन कर रहे हैं। मैं आपको एक बार और बता दूं कि गढ़वा जिले में एक मरीज कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। आशुतोष रंजन, न्यूज 11 भारत, गढ़वा।